गुस्से में गांव की सरकार, सरपंचों की हुंकार। 11,344 ग्राम पंचायतों में कल से तालाबंदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रमुख सचिव फाइनेंस अखिल अरोड़ा से वार्ता विफल हो गई है। ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खुलवाने के आदेश को लेकर यह आक्रोश है। प्रदेश के सरपंचों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है। पीडी खाते खोलकर वित्तीय अधिकार छीन रही है सरकार, ये कहा जा रहा है। आदेशों को पंचायतों के वित्तीय अधिकार छीनना बताया सरपंचों का तर्क है कि छोटे मोटे कार्यों के बिल भी कोषालय भेजने पड़ेंगे। पंचायतों के अटके काम, इसलिए आदेश वापस ले सरकार। दीपक गोयल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, अब वार्ता विफल हुई है, क्या कुछ अब स्थितियां बनती दिख रही हैं? देखिए, गुस्से में गांव की सरकार है और सरपंचों ने हुकार भर दी है। ग्राम पंचायतों के पीडी खाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत जो जमा खाता होता है उसके जो खुलवाने के आदेश को लेकर सरपंचों का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। सरपंचों ने इस आदेशों को पंचायतों के वित्तीय अधिकार छीनना बताया, लगातार वो विरोध करते आए हैं। और आज फाइनेंस सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी है अखिल अरोड़ा, उनसे सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने बात की, लेकिन ये वार्ता है विफल हुई है। और कल राजस्थान में 11,344 जो ग्राम पंचायत है वहाँ तालाबंदी का सरपंचों ने ऐलान कर दिया है। सरपंचों का कहना है कि वित्तीय अधिकार यदि वापस ले तो वो तालाबंदी नहीं करेंगे, और लेकिन वो जो सरकार के स्तर पर जो वार्ता चल रही थी वो विफल हो गई है। तो यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कल राजस्थान के 11,344 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें तालाबंदी रहेगी। आम व्यक्ति हैं जो ग्रामीण हैं उनके कामकाज नहीं हो सकेंगे। सरपंचों का तर्क यह है कि पीडी खाता खोलने से उनको छोटे मोटे कार्यों के लिए बिल को कोषालय भेजने पड़ेंगे, इसके चलते ग्राम पंचायतों के कई कार्य अटक जाएंगे। ऐसे में सरपंच खुद भी विकास कार्य समयबद्ध नहीं करवा पाएंगे। वहीं जो कोषालय है उनके भरोसे रहने पर वो बिल कब पास होते हैं, कब विकास कार्य शुरू हो सकते हैं। तो एक कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार से जो राशि खाते में पहले सीधे पंचायतों में आती थी, वो अब पीडी खाते में आएगी। उससे जो उसका जो ब्याज ग्राम पंचायतों को मिलता था वो अब सरकार के पास जाएगा, यानी कि सीधा सीधा सरपंचों का तर्क है और सरपंचों का जो आक्रोश अपने तर्कों को रखा गया है। और अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वार्ता विफल हुई है तो अब हुंकार भर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, कल से तालाबंदी की स्थिति होगी, आगे क्या कदम उठाया जाता है दोनों ही तरफ से, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।